हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं और कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको पूरा बता दिया मैंने कि किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं और कि कौन से एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि 6.1 में हम ऑर्डर और डिग्री देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की किस तरीके से निकाल दें। तो यहाँ देखिए ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है और इसमें हमें इसकी ऑर्डर और डिग्री निकालनी है ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ऑर्डर और डिग्री निकालने का सफर इसमें, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन है बेटा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो ऑर्डर होती है बेटा, ठीक है, वो मेन होती है, ठीक है। ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें डिग्री किसकी लेनी है, ठीक है। जिसकी डिग्री ज्यादा हो वो नहीं लेना है, ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर? ऑर्डर, डिपेंडेंट ऑन ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर जिसकी लेंगे उसी की डिग्री लेंगे। तो ऑर्डर क्या होता है सर, अब अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो देखो बेटा, जितने बार हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी इक्वेशन को, ठीक है, जैसे सपोज आपको एक इक्वेशन मिल जाए d3y/dx³ ऐसा कुछ मिल जाए, तो आप इसके ऑर्डर क्या कहोगे बेटा कि 3 है, बिल्कुल। तो डिफरेंशिएशन में हमने लास्ट एक्सरसाइज में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा था, उसमें आपने 1, 2, 3 बार डिफरेंशिएट किया था, ठीक है, जब nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने को बोला था हमें लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। तो उसी तरीके से इसमें सॉल्व करने वाले, ठीक है बेटा। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं पहला क्वेश्चन, ठीक है, अगर वो नहीं समझा तो क्वेश्चन देखो बहुत अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उनको समझ गया जिसने पिछला लेक्चर देखा है। नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं, इसमें बताता हूँ। देखो यहाँ देखो आपके पास 2 है, ठीक है, यहाँ d2y/dx² है और एक है x dy/dx। अब आप बोलोगे सर दोनों की जो डिग्री है वो तो बिल्कुल 1 है, डिग्री ये होती है बेटा, जो पावर होता है इसका भी पावर 1 है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं कि ऑर्डर इसकी ज्यादा है। मैंने क्या कहा था, ऑर्डर क्या होता है, कितने बार वो डिफरेंशिएट हुआ है। तो ये d2y/dx² इस बात का सबूत दे रहा है कि इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट किया, कितने बार, 2 बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, ऑर्डर है वो 2 है। तो यहां लिख देंगे ऑर्डर इज इक्वल टू 2 या ऑर्डर इज 2 आपके हिसाब से कैसे लिखना है, एंड डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसकी डिग्री है 1, ठीक है, बस हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसे नोट कीजिए 1, 2 एंड 3 हो गया, इतना समय भी नहीं चाहिए वैसे, अब आप एक बार रिकॉल कर सको इसलिए 1, 2, 3 बोल रहे हो, ठीक है। चलो तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए ये थोड़ी सी डिफिकल्टी इन्होंने आपकी पढ़ा दी, कुछ नहीं ये भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसे अगर ऐसे मिले आपको, ठीक है, ऐसा अगर मिले आपको कहीं रूट वगैरह के अंदर, तो पहले तो यहाँ देखना है कि रूट कौन से पावर का है। यार रूट 3 है, ठीक है, आपको दिख रहा नहीं, 3 दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है अच्छे से, चलो क्यूब दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ आपको क्यूब मिला हुआ है, ये क्यूब है, ठीक है। तो अब इसे आपको क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करना है, क्या करना है, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। पहले पहले क्वेश्चन इसलिए अच्छे से कर रहे हैं, फिर आप खुद से बोल दोगे पॉज करके, ठीक है। तो देखो 1 + dy/dx का होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू d2y/dx² का क्यूब, ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए आगे चले आप, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, आपको ऑर्डर देखनी किसकी ज्यादा है। सर ऑर्डर तो मुझे इसकी ज्यादा लग रही है, ठीक है, 2। तो डिग्री भी उसी की लेंगे जिसके ऑर्डर है, बिल्कुल। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 3। ऑर्डर भी इसकी ज्यादा है, डिग्री तो है उसकी 3, ठीक है, समझ गए। तो डिग्री वाले को नहीं देखना है, ऑर्डर वाले को देखना है, ऑर्डर इसकी ज्यादा थी। अब ऐसा हमेशा नहीं होगा कि जिसके ऑर्डर ज्यादा उसकी डिग्री, कभी कभी आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए एग्जामिनर जिसकी डिग्री दे देगा 10, तो क्या करोगे, आपको क्या लेना देना है डिग्री से। वी वांट ऑर्डर, ऑर्डर से डिग्री मिलेगी, डिग्री से ऑर्डर नहीं मिलेगी, समझ लो बात, ठीक है। जिसको ऑर्डर लेना है उसी की डिग्री लेना है। चलो तो नोट कर लो इसे 1, 2 एंड 3 हो गया। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ ले लेता हूँ मैं, ठीक है। dy/dx = 2sin x + 3 = dy/dx, ठीक है। अब ये dy/dx इधर कर लो, तो dy/dx का (dy/dx) हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या हो गया, ये हो गया बेटा dy/dx का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, होल ब्रैकेट का स्क्वायर। सर इधर का तो लिखो, लिख लो बेटा, लिख लो 2sin x + 3, यहाँ भी लिख लेंगे 2sin x + 3। तो यहाँ ऑर्डर कितनी है, ऑर्डर है बेटा 1, ऑर्डर कितना है 1, और डिग्री कितनी है बेटा 2, ठीक है। ये तो आपने कर लिया होगा क्योंकि इसमें एक ही था, ठीक है, ऑर्डर 2, ऑर्डर बेटा 1 है, देखो 1 ही है इसके पास, और डिग्री कितनी है
डिग्री टू है, ठीक है। चलिए तो नोट कीजिए, 1, 2 एंड 3 हो गया। बहुत ही शांति से कर रहा हूं मैं ये सारी चीजें भी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है बच्चा इसे आसान समझ के ज्यादा ही हल्के में ले लेता और यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में गलती कर देते, ठीक है। मैंने ऐसे क्यों कहा, यहाँ स्क्वायर नहीं करता बच्चा, डायरेक्ट 3 लिख देता, गलत है ये, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। 3 लिखना है, इसको पहले आजाद करना है रूट से। अगर जब आप बोर्ड में सॉल्व करोगे ना तो इसे रूट हटाना है पहले, डायरेक्टली नहीं लिखना है, ठीक है। चलो तो यहाँ हम कर देंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। डी टू आई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स का होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए प्लस बी प्लस सी वाला हो गया, लेकिन करना नहीं है, ठीक है। यहाँ मुझे पता है कि ऑर्डर इसकी थ्री है तो इसकी भी डिग्री आएगी, सिर्फ मैंने आजाद किया उसे, ठीक है। डी थ्री वाई बाय डी एक्स क्यूब, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर जब हुआ होगा रूट का तो रूट ने स्क्वायर को हटा दिया और स्क्वायर ने रूट को मार दिया, खत्म कर दिया एक दूसरे को। तो यहाँ आपकी ऑर्डर 3 है, ठीक है बेटा, और डिग्री आपकी 1 है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 1 है, देखो समझ रहे हो ना, इसके ऊपर ऐसे 1 है एक्चुअली, ठीक है, इसलिए समझ रहे हो। चलो तो आगे चलो, मैं नोट कर लो, 1, 2 एंड 3 हो गया। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है, 5 क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप, यहाँ आपको ऑर्डर और डिग्री डायरेक्टली मिल रही है। देखो ऑर्डर इसकी 2 है और डिग्री इसकी 1 है, ठीक है। तो देखिए ऑर्डर यहाँ लिख लेंगे हम 1, सॉरी ऑर्डर 2, 2 है इसकी, इसकी 1 है, वो लेना नहीं। देखो इसकी डिग्री 2 दी गई है आपको, आपको ललचाने के लिए, कि भाई जिसने बच्चे ने अच्छे से पढ़ा नहीं है वो क्या बोल देगा कि सर इसकी डिग्री 2 इसे ले लो इसे ले लो, नहीं ऑर्डर देखनी, ऑर्डर 2 है और इसी की डिग्री 1 है, लेकिन यही लेना है, ठीक है। तो इसकी डिग्री लेना है जो कि क्या है 1 है, क्या है बेटा 1 है, बिल्कुल समझ रहे हो। चलिए तो नोट कीजिए इसे, 1, 2 एंड 3 हो गया। चलिए अब देखिए, अब लेना है हमें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखोगे तो यहाँ देखिए डैश 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 दिया गया है, इसका मीनिंग क्या है आप जानते हो, डैश का मीनिंग क्या होता है। जब भी आपको वाई डैश मिले तो समझ लेना एक ऑर्डर है, वाई डबल डैश मिले तो समझ लेना 2 ऑर्डर है, और वाई ट्रिपल डैश मिले तो 3 ऑर्डर है, वाई चार डैश मिले तो 4 ऑर्डर है। इसका मीनिंग हो गया डी थ्री वाई बाई डी एक्स, इसका मीनिंग हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स, इसका मीनिंग हो गया डी फोर वाई बाई डी एक्स, और इसका मीनिंग हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है समझ गए। चलो तो यहाँ तो आप ऑर्डर समझ गए होंगे, कितनी ऑर्डर सर 3 है, बिल्कुल ऑर्डर कितनी है 3 है, इसकी ऑर्डर 1, इसकी ऑर्डर 2, इसकी 3, तो इसी की डिग्री लेंगे, डिग्री कितनी होगी सर, डिग्री होगी सर 2, बिल्कुल समझ रहे हो। चलिए नोट कीजिए, 1, 2 एंड 3 हो गया। तो अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्या कुछ अलग दिख रहा है क्वेश्चन में, ये कॉस। चलिए तो ये क्या करेगा, ये कुछ उथल पुथल मचाएगा या नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो ऑर्डर पता है 2 है, क्योंकि इसके पास 1 है तो वो तो होगा नहीं, तो ऑर्डर लिख लो पहले 1, चेंज ऑर्डर लिख लो पहले, सॉरी 2 ऑर्डर 2, ठीक है, क्योंकि इसके पास 2 है, ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऑर्डर 2। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना है बेटा डिग्री। बहुत से बच्चे क्या बोल देंगे, सर ने सिखाया है ना, जिसके ऑर्डर लो उसकी डिग्री, तो यार 2 ले लेंगे, नहीं लेना है, बिल्कुल गलत है। क्यों क्यों, देखो ऑर्डर और डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन की निकलती है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन यहाँ इसे पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि इसके पास कॉस थीटा है, ये थीटा की तरह है, ये इसके एंगल में बैठा है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ कॉस साइन टैन कॉट से कोसेक कुछ भी हो तो वो होगा नहीं, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन ही नहीं, उसे रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते उस तरीके से, उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते उस तरीके से, उसे डिफाइन ही नहीं कर सकते उस तरीके से। मैंने 3 शब्द यूज किए, रिप्रेजेंट डिफाइन या तीसरा मैंने क्या किया एक्सप्रेस, ठीक है। चलो अब यहाँ लॉग भी अगर होता ना तो भी नहीं होता, ठीक है, यहाँ अगर लॉग की जगह ई रेज़ टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स होता तो भी नहीं होता, तो भी यही आंसर होता मेरा, कि मैं यहाँ डिग्री को नॉट डिफाइन लिख देता, डिग्री को क्या लिखता नॉट डिफाइन, क्यों, क्योंकि डिग्री हमेशा पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन की होती है, पॉलिनोमियल फंक्शंस की होती है, मतलब एक्चुअली पॉलिनोमियल, क्योंकि 2, 3 ऐसी डिग्री है ना, तो डिग्री किसकी होती है पॉलिनोमियल्स की, इसलिए मैंने बोला पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ मैं लिखूँ क्या, रीजन क्या दूँ, वैसे इतना लिख के सेटिस्फाइड है आपके पेपर में, सिर्फ इतना ही चलेगा एक मार्क्स के लिए, लेकिन फिर भी रीजन लिखना एज अ आइसिंग ऑन अ केक, मतलब केक के ऊपर जैसे हम आइसिंग लगाते हैं ऊपर का क्रीम वगैरह, वैसे अच्छे से लिखना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखो, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैनॉट बी
रिप्रेजेंटेड या मैं लिखता हूँ एक्सप्रेस, जो टेक्सटबुक में यूज किया वो शब्द यूज करूंगा, ज्यादा बेटर होगा। एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन बस। देयरफॉर डिग्री इज नॉट डिफाइंड, मैं लिखता हूँ देयरफॉर डिग्री इज नॉट डिफाइंड। बिल्कुल क्लियर है, नोट कीजिए 1, 2 और 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बिल्कुल ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिखे तो हमेशा याद रखना है चीज, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ 3/2 बोला गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम 3/2 यानी ये क्या हो गया एक्चुअली रूट, ये 1/2 का, ये 3/2 में का, ये 3 × 1/2 है ना एक्चुअली, तो 3 तो मैंने रख दिया, वैसे 1/2 का क्या कर दिया मैंने रूट लगा दिया, तो रूट हटाना है मतलब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 1 + dy/dx का स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू 8 d2y/dx स्क्वायर, ठीक है, का होल ब्रैकेट क्यूब, सॉरी स्क्वायर, स्क्वायरिंग कह रहा हूं, हाँ स्क्वायर। तो यहां देखिए, यहां आपकी डिग्री जो है वो हो गई बेटा 2, डिग्री क्या हो गया आपकी, सॉरी ऑर्डर लिखते ना पहले, सर मैं तो कुछ भी लिख दू लेकिन आपको ध्यान देना ऑर्डर लिखना है पहले। यहाँ देखो, यहाँ इसकी ऑर्डर 1 है, इसकी ऑर्डर 2 है, तो 2 लिखो, और डिग्री क्या हो गई सर, डिग्री तो इसकी हो गई सर 2 क्योंकि इसके पास स्क्वायर है। बिल्कुल यहाँ 8 का 64 लिख सकते, लेकिन आपको ये पूछा गया है तो जितना पूछा गया उतना लिख के छोड़ दो, एक ही मार्क्स का आएगा ना, ऑर्डर 2 डिग्री इसी की लेना है, जिसकी ऑर्डर लेना, क्योंकि इसकी ऑर्डर तो 1 थी वो तो ले नहीं सकते, तो 2 समझ लो इसी की डिग्री ली, जिसकी ऑर्डर ली, ठीक है, चलो कंफ्यूजन नहीं है ना कोई, देखो जिसकी ऑर्डर ली उसी की डिग्री ली, स्क्वायरिंग क्योंकि क्योंकि 2 हटाना था नीचे का, वरना ये कर ही नहीं पाते सॉल्व, ठीक है। तो नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, 1, 2 और 3। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ माइनस का साइन नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई, ध्यान देना, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई है एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आप मल्टीप्लाई लेते हो तो 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखो यहाँ 1/2, यहाँ 1/3, यहाँ है स्क्वायर रूट और यहाँ है क्यूब रूट, ये बोला गया है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट रहा तो आप पावर 6 कर दोगे डायरेक्टली, तो यहाँ देखिए, यहाँ आप करोगे पावर 6 ले लोगे, मतलब टेकिंग, मैं लिख देता हूँ टेकिंग 6th पावर, या ऐसा है एक्स टी एच लिखो, ठीक है, 6th पावर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यह इसका हो जाएगा d3y/dx³ का पावर 1/2 का पावर 6, 1/2 का पावर 6 मैं आपको करके बताना चाहता हूँ ये, इसलिए इंटू dy/dx का पावर 1/3 और उसका पावर 6 इज इक्वल टू 20 का पावर 6, ठीक है। तो यहाँ 3 × 2 = 6, यहाँ 2 × 3 = 6, ठीक है। तो किसकी ऑर्डर ज्यादा है इसकी, इसका कोई लेन देन नहीं, ऑर्डर इसकी 3 है, तो ऑर्डर हो गई आपकी यहाँ 3 और आपकी डिग्री हो गई यहाँ बेटा 3, चलो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं, इसकी ऑर्डर 1 है, डिग्री का तो कोई लेन देन नहीं, इसकी ऑर्डर 3 है, डिग्री 3 है, बराबर, ठीक है, समझ गए, जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री, समझ गए। तो चाहो तो और इसके इसको अच्छे से लिख लेना ऐसे साइड में, d3y/dx³³ × dy/dx² = 20 का पावर 6, उसे वैसे रहते उसका काम ही क्या है, ठीक है। चलिए तो नोट कीजिए इसे 1, 2 और 3, तो नोट कर लिया बच्चों। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी बड़ा ही आसान है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है रूट हटाने के लिए, ठीक है। तो चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, x + d2y/dx² का स्क्वायर = इसका हटाओगे तो 1 + d2y/dx² का स्क्वायर, ठीक है, चलो यहाँ तक पहुंच गए। अब आप अगर चाहते हो, ठीक है, तो इसे खोल दो पूरा, ये तो क्या हो जाएगा a + b² a² + 2ab, ठीक है, +b² ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये कट रहा है, ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी दिखाएगा कि ये और ये कट रहा है, ठीक है, 1 + d2y/dx² का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी b स्क्वायर होगा ना, इसका स्क्वायर होगा, देखो a² + 2ab + इसका स्क्वायर, तो ये और ये दोनों साइड है कैंसल, तो आपका ऑर्डर आ गया इसका यहाँ 2, ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 था, d2y/dx², इसका ऑर्डर 2, ठीक है, ऑर्डर आ गया आपका 2 और डिग्री आ गया आपकी 1,
डिग्री आ गई यहाँ वन, ठीक है, इसकी ऑर्डर इसकी डिग्री, ये तो है नहीं ना, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हमारी, अब ये खत्म हो गए। तो यहाँ आपका जो इक्वेशन आ गया था अल्टीमेटली वो आ गया था एक्स प्लस टू एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो इसमें से हमें मिला ऑर्डर टू और डिग्री वन, ऑर्डर क्या मिला टू और डिग्री क्या मिला आपको वन मिला, ठीक है बेटा। चलिए नोट कीजिए इसे वन टू एंड थ्री। तो देखिए बच्चों ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट है हमारी एक्सरसाइज 6.1 हो गई है, ठीक है, और ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बेसिक लेक्चर में पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया था कि ये आसानी है ऑर्डर और डिग्री निकालना, लेकिन कहीं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, एक मिनट क्वेश्चन वो बता दो एक बार वापस, क्वेश्चन नंबर 7, तो ऐसे कॉस साइन टैन कुछ और आ जाए, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक ऐसा कुछ आए तो सोचना होता है और ये सेंटेंस लिखना होता है, फिर डिग्री नोटिफाइड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ बच्चों हमने बेसिक लेक्चर और ये लेक्चर अब फिनिश कर दिया है, अब 6.2 की ओर बढ़ेंगे, उसमें हम सीखेंगे फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आएगा, ठीक है, जिसमें हम y इक्वल टू vx ले लेंगे बस, और कुछ सब्सटीट्यूशन x प्लस y इक्वल टू u वगैरह। तो पढ़ते रहे बच्चों, आगे बढ़ते रहे, एग्जाम की तैयारी करते रहे, रोज नए क्वेश्चंस लगाते रहे, जितने प्रॉब्लम्स अभी आएंगे ना उतने एग्जाम में नहीं आएंगे। अभी अगर आप डरोगे कि ये बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, तो वैसे क्वेश्चन को पहले हाथ लगाओ। क्या होता है, डिफिकल्ट सवाल करने से अप्रोच बिल्ड होती है, अप्रोच बिल्ड होने से एग्जाम में वो गलती नहीं होगी जो यहाँ हो रही है, ठीक है। तो गलतियाँ सुधारते रहे, इतनी क्वेश्चन करोगे गलतियाँ सुधरते जाएगी। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, स्टडी ट्यूनिंग के साथ बने रहें।